मैं सुरेंद्र प्रसाद नरेरे से रात्रि को रेडियो फिजी की मेरा रात बैठा है। हमारा नाम याकूब खान है, हम करवांगा जिले की में रहता है। रेडियो फिजी टू हमारे अच्छा प्रोग्राम है, हमारे करवांगा के सभी लोग रेडियो फिजी ज़्यादा सुनते हैं। रेडियो फिजी टू देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी टू से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय बनीबाऊ के रहने वाला हूँ। रेडियो फिजी टू देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फिजी टू देश की धड़कन। नमस्कार, समाचार दर्शन के साथ मैं हूँ शैरीन शिवान। अलेज्ड कोन आर्टिस्ट बिनेश कुमार राज, जिस पर कई चार्जेस लगे हैं, ने आज सुबह मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में काफी हंगामा किया। राज ने न केवल सेल ब्लॉक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई, बल्कि उसने कोर्ट रूम के अंदर गाली भी दी। राज पर इम्पर्सनेशन के दो अभियोग, गलत तरीके से पैसे हासिल करने के दो अभियोग, चोरी करने का एक अभियोग तथा जमानत का उल्लंघन करने का एक अभियोग लगा है। कोर्ट रूम में जाने से पहले राज ने यह दावा किया कि उसे ऑफिसर्स द्वारा पीटा गया है। अदालत के अंदर उसने गाली दी और कोर्ट सिस्टम को भला बुरा कहा। उसने बताया कि वह सेल ब्लॉक में नहीं रहना चाहता है और अगर ऐसा किया गया तब वह खुद को चोट पहुंचाएगा। वह लगातार यही कहता रहा कि उसे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल भेज दिया जाए। राज इससे पहले अगस्त में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती था, हालांकि वह वहां से फरार हो गया था और पुलिस को 3 महीनों तक उसकी तलाश करनी पड़ी थी। पुलिस द्वारा पीटे जाने के दावे पर प्रोसिक्यूटर सुनील कुमार ने मजिस्ट्रेट जोशी बसीवांगा को बताया कि ऑफिसर्स केवल राज को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वह सेल ब्लॉक के इलेक्ट्रिकल वायर्स को डैमेज कर रहा था। राज ने अदालत को बताया कि वह लीगल एड काउंसिल नहीं चाहता तथा वह प्राइवेट लॉयर एंगेज करेंगे। उससे अगले शुक्रवार को कसूरवार होने या ना होने के बारे में पूछा जाएगा। पिछले महीने TD-04F की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी हानि हुई है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने $11.7 मिलियन का नुकसान का अनुमान लगाया है। सेंट्रल डिवीजन में एग्रीकल्चर को TD-04F से $8 मिलियन की हानि हुई है। वेस्टर्न डिवीजन में $2.3 मिलियन, नॉर्थ में $1.4 मिलियन तथा ईस्टर्न डिवीजन में $40,000 का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान रूट क्रॉप्स जैसे डालो और कसेरा तथा वेजिटेबल्स को हुए हैं। MIOT पैसिफिक हॉस्पिटल फिजी में उन मेडिकल सर्विसेज और फैसिलिटीज को लाने की कोशिश कर रही है जो फिजी में उपलब्ध नहीं है। 1 जनवरी से ओशनिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुबह प्राइवेट हॉस्पिटल लिमिटेड को खरीद लिया है तथा इस फैसिलिटी को अब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स तथा ट्रोमोटोलॉजी पैसिफिक हॉस्पिटल या MIOT हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। BSP लाइव, जो सुबह प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर है, ने यह घोषणा आज सुबह की। अगले 6 महीनों में हॉस्पिटल को एक्सटेंड किया जाएगा तथा फैसिलिटीज को अपग्रेड किए जाएंगे, जिसके लिए $14 मिलियन खर्च होने की संभावना है। और खेलकूद में वोडाफोन फिजी सेवंस कोच गैरेथ बेबा फिजी पहुंच चुके हैं तथा उन्हें आज सुबह फिजी रग्बी यूनियन के चीफ एग्जीक्यूटिव जोन ओकोना ने नांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिसीव किया। बेबा कल से फिजी सेवंस स्क्वाड से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि वे ओलंपिक गेम्स गोल्ड मेडल विनिंग टीम के साथ काम करने के लिए तैयार है। बेबा कल से फिजी सेवंस टीम के साथ फर्स्ट ट्रेनिंग रन में भी भाग लेंगे। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन समाचारों को आप हर दिन मिर्ची FM और रेडियो फिजी 2 पर सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। हाय, माय नेम इज श्रेया, आई एम फ्रॉम मोफे 8 माइल्स। आई लव मिर्ची बिकॉज़ ऑफ देयर म्यूजिक एंड अनाउंसर्स। मैं हूँ स्वास्तिका स्वास्ति, तो कोतागुआ से अश्नी और संगीता के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम अर्चना फ्रॉम नंदावा, मिर्ची FM को नसीन में लॉक कर दिया जाए। माय नेम इज कृष्णेश एंड आई एम फ्रॉम MGM प्राइमरी स्कूल। आई लिसन टू मिर्ची FM एंड मिर्ची FM इज रियली हॉट। आई लव देयर म्यूजिक। हम रवनील है, सुबह से जब भी सुनता है मिर्ची FM सुनता है, मिर्ची FM इज हॉट। मैं हूं संध्या चांद, बतौर उठना रेरे से मिर्ची FM और मेरा एक रिश्ता बन गया है। मिर्ची FM इट्स हॉट।